हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू होलिस्टिक हैप्पीनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई शीर्षासन और हेड स्टैंड विदाउट एनीबडीज हेल्प। तो शीर्षासन करने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ, वो आप ज़रूर कर लें। और अगर कोई योगा एक्सरसाइज और जॉगिंग करने के बाद शीर्षासन कर रहे हैं तो वो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो शीर्षासन कौन लोग ना करें? जिनको बैक इंजरी है, जिनको हार्ट कंडीशन है, हाई बीपी है, नेक इंजरी है एंड फीमेल ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन, वो लोग शीर्षासन बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तो ये जो स्ट्रेचिंग्स है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं। ये लास्ट लेग की थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग है, ये आपको कर लेनी है और इसके बाद हम लोग शीर्षासन ट्राई करेंगे। तो शीर्षासन करने के लिए आप सबसे पहले आपको चाहिए एक वॉल और एक मैट और एक कुशन भी ज़रूर ले लीजिए जो लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरह अपने हाथों को हमको रखना है और अपने क्राउन को अपने हाथों से बैलेंस करते हुए अपने लेग्स को ऊपर की ओर लेकर जाना है जितना हो सके उतना, और इस पोजिशन में आपको कम्फर्टेबल फील करने की कोशिश करनी है। जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं ज़रूर कुशन रख लें अपने सर के नीचे और फिर धीरे धीरे हमको नीचे आ जाना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, हम 3 स्टेप में करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है इसमें हम अपने मैट को थोड़ा और वॉल के पास लेकर आएंगे। इससे क्या होगा कि हम वॉल में थोड़ा और ऊपर तक जा पाएंगे और हमारे क्राउन में, शोल्डर पे और हमारे आर्म्स में कितना बॉडी वेट आने वाला है उसका एक आइडिया हमको मिल जाएगा और उस बॉडी वेट के साथ अपने क्राउन को हमको कम्फर्टेबल करना है। क्योंकि जब तक हम वैसे कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक हम शीर्षासन कर नहीं पाएंगे या उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह हमको इसको पैरों को ऊपर लेके जाना है बॉल के सपोर्ट से और कम से कम 10 से 15 सेकंड यहाँ पे रहना है और तब तक रहना है जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाए। कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप जो है ट्राई करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप ये तीनों स्टेप ट्राई करें, फर्स्ट और सेकंड स्टेप एक दिन में हो सकता है, थर्ड स्टेप आप नेक्स्ट डे भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में कर सकते हैं तो आप ट्राई कर लें। तो थर्ड स्टेप में हमको बिल्कुल ही वॉल के पास चले जाना है और ऑपोजिट तरफ से पाम लेंथ की दूरी पर अपने क्राउन को सेट करना है। हमारा क्राउन, हमारा नेक, हमारा बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना पड़ेगा, एंगेज्ड होना पड़ेगा और फिर हमको अपने लेग्स की सहायता से जितना हो सके अपर बॉडी को सीधा करना है, स्ट्रेट करना है और फिर अपने लेग्स को ऊपर की तरफ पुश करना है और वॉल पे बैलेंस करने की कोशिश करना है। ये देखिए पहली बार में तो मेरा नहीं हुआ, आप लोगों का भी ऐसा हो सकता है लेकिन आपको ट्राई करते रहना है। तो सेकेंड टाइम पे ये मेरा हो गया है बैलेंस। तो ये हमारा ऑलमोस्ट शीर्षासन हो चुका है। इसके बाद हमको क्या करना है, इस तरह सिर्फ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करना है, इस पोजिशन पर होल्ड करने की कोशिश करनी है। और अगर ना भी हो तो आप वॉल के सपोर्ट में भी इस तरह शीर्षासन कर सकते हैं। कम से कम 60 सेकंड शीर्षासन एवरी डे करें तो वो बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे। और अगर आपको लगता है कि आपके क्राउन में बहुत ज़्यादा वेट आपको लग रहा है तो आप अपने दोनों लेग्स को ओपन भी कर सकते हैं, इससे आपका क्राउन में वेट थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। फिर आपको अगर कंफर्टेबल लगे तो इसको वापस आप ओरिजिनल पोजिशन पर लेके आ सकते हैं। तो इसके बाद ये जो शीर्षासन हम लोग कर रहे हैं, शीर्षासन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बता दूं। सबसे फर्स्ट है इट रिलीव्स स्ट्रेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंक्रीजेस फोकस, इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू आइज़, हेड एंड स्कैल्प, शोल्डर, आर्म्स एंड कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारी स्किन को भी ग्लोई बनाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं शीर्षासन के और हेड स्टैंड के। तो ये करते हुए, करने के बाद हमको जब नीचे आना है तब हमको अपने टो में जो कुशन वाला पोर्शन है उसको सबसे पहले नीचे लाने की कोशिश करनी है। एक लेग को नीचे लेकर आना है और दोनों लेग को भी बैलेंस करते हुए टो को सबसे पहले नीचे लाना है। नी को ध्यान रखना है, नी सबसे पहले नीचे ना आए नहीं तो बहुत ज़ोर की लगेगी। और शीर्षासन कर लेने के बाद हमको इस तरह 1 मिनट बैठ जाना है ताकि हमको चक्कर ना आए, कम से कम 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।